attention. Welcome to all my friends, students in NSE Physics class by Dr. Hani sir. प्यारे बच्चों, आज मैं नीट आईटीजेई मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और टफ एक्सरसाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर आया हूं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, हर साल कई क्वेश्चंस इसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आप आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आपके लिए ये फ्री में ये लाया गया है, आपका भी कुछ दायित्व बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर्स की। तो दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, थोड़ा इसका कंसेप्ट आप जान लें। आप जैसे साइकिल चलाते हैं, बीच में पेडल ना भी मार रहे हैं तो भी वो चलता रहता है, इसी प्रॉपर्टी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लट्टू नचाएं बस, जो लट्टू नचा के छोड़ देते हैं तो घूमता रहता है। तो रीजन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थ क्यों रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअस, ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अर्थ का मास काफी ज्यादा है, रेडियस काफी ज्यादा है, इसलिए वो कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है। तो दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं वो दिखाना चाह रहा हूं आपको। तो फॉर्मूले और न्यूमेरिकल से मतलब है, थोड़ा यूनिट और डायमेंशन भी देखना है। तो मैं सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला दिखा रहा हूं। अगर कोई एक छोटा सा पार्टिकल, एक ही पार्टिकल हो, मास एम हो, दूरी आर हो, और ये किसी एक्सिस के राउंड रोटेट हो रहा है, ये एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिनको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो दोस्तों इस सिंपल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। और ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट, यूनिट डायमेंशन भी हर साल रहने ही रहने, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास है तो एम, डिस्टेंस है तो एल, स्क्वायर है, स्क्वायर करें और टी नॉट कर दें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी, कोई रिजिड इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट और इस तरह का टेढ़ी मेढ़ी कोई ऑब्जेक्ट हो और इस किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही हो, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये मान लो एक पार्टिकल है, मास m1 है, डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है, और दूसरा पॉइंट m2 पास, दूसरा पार्टिकल m2 मास का है, डिस्टेंस r2 है, तीसरा m3 है, डिस्टेंस r3 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा दोस्तों। अब ऐसे कंडीशन में होगा m1 r1 स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल्स हैं प्लस एम एन आर एन स्क्वायर करेंगे, इसी को आप समेशन सिग्मा एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो सिग्मा, यहाँ पे आई पुट करेंगे, आई का वैल्यू 1 to n देंगे, एम के साथ भी आई लगाएंगे, आर के साथ भी आई, आई फॉर इंटीजर है, इस तरह से आप निकालेंगे। और दोस्तों, रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ पे एक टर्म आया था रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या जिसको बोलते हैं, इनको के से डिनोट करते हैं। ये होता क्या कि पूरे ऑब्जेक्ट के मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं और वहां से एक्सिस का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है, मान लो इस एक्सिस के राउंड ये रोटेट हो रहा है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू एक्सिस ऑफ मास टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. द रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दैट पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड, दैट इज सेंटर ऑफ मास, वी कैन से दैट डिनोटेड बाई के, एंड इट्स फॉर्मुला विल बी के इक्वल रूट अंडर आई बाई एम. ऐसे इसके अलग अलग फॉर्म जान लें, क्योंकि आजकल तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं आई का, फिर आप ये फॉर्मूला पुट कर दें, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 1 to n, 1 से स्टार्ट करें एन तक जाएं, नीचे सिग्मा एम आई करें, आई 1 to n, इसको और भी दूसरे फॉर्म में जान लें, एक्सपेंड करके एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर डॉट डॉट एम एन आर एन स्क्वायर, और बाई कर दें दोस्तों एम वन प्लस एम टू डॉट डॉट एम एन. इसकी यूनिट भी याद रखें, बहुत आसान है. ऐसा यूनिट ये डिस्टेंस है तो यूनिट होगा मीटर, और डायमेंशन हो जाएगा के, सॉरी के का डायमेंशन हो जाएगा एल, क्योंकि डिस्टेंस है लेंथ है. इसको आप एम नॉट एल टी नॉट भी लिख सकते हो दोस्तों. अब देखिए दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो थ्योरम पढ़ने हैं, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ये क्या कहता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसके सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई एक्सिस पास कर रहा है, और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी है, और इसी के पैरेलल एक दूसरा एक्सिस है, इसकी दूरी मान लो ए है, ये जो ए है ये रेडी है, दूरी क्या हो रहा, दूरी कार मानते ना इसको, तो ऐसे कंडीशन में इस नए एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताता है, दिस आई विल बी इक्वल टू द आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर. किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाले एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस हो, ए डिस्टेंस पे हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पैरेलल एक्सिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सी जी एक्सिस एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आई जी प्लस एम ए स्क्वायर लिख सकते हैं. इसी तरह से दोस्तों थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखें, यहां से मान लो तीन एक्सिस जा रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. इसको मान लो अराउंड दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स, अराउंड वाई एक्सिस आई वाई एंड अराउंड जेड एक्सिस इज आई जेड. यू नो दैट जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बोथ, ये जेड एक्सिस है. अब आप इस दोनों को अगर एड करते, थ्योरम कहता है कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू द आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल होंगे आई जेड के, इसी का नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. शेप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना है आपको, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, अराउंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अराउंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी. तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर,
एम आर स्क्वायर, ये सब एक नोट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे ही सारा खेल होता है न्यूमेरिकल्स में। कितने होंगे दोस्तों, एम आर स्क्वायर। ये सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रहा है तो उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा गया एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसका टेंजेंट लिया जाए, टेंजेंट लिया जाए तो तब क्या होगा? ऐसे कंडीशन अराउंड टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग ही है, अराउंड टेंजेंट तो दोस्तों यहां पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, आई को लिखेंगे आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। आई जी आपने अभी देखा है, एम आर स्क्वायर या आई जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यही फॉर्मूला आई जी का है प्लस एम, और दूरी देख सकते हैं डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है। दिस लाइन इज टेंजेंट प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज टू एम आर स्क्वायर। इन सब कंडीशंस में के भी याद रखना है आपको, के रेडियस ऑफ गायरेशन जो बताया गया यहां पे होगा रूट अंडर आई बाई एम, तो एम आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कैंसिल, दैट इज आर। यहां देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हो रहे हैं, रूट अंडर आई बाई एम, आई कितने हो गए टू एम आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कैंसिल तो रूट टू आर हो गए। इसी तरह से दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सर्कुलर रिंग है तो फॉर्मूला आई एम आर स्क्वायर है, लेकिन अगर दोस्तों सर्कुलर डिस्क है अराउंड सी जी एक्सिस तो दोस्तों फॉर्मूला बदल जाएगा, वहां पे हाफ एम आर स्क्वायर होगा। सर्कुलर डिस्क का अराउंड सीजी एक्सिस, सीजी एक्सिस के अराउंड बीचों बीच जो एक्सिस जा रहा है, फॉर्मूला होगा हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। बहुत यूज होते हैं सर्कुलर डिस्क, लेकिन एसी क्वेश्चन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अराउंड टेंजेंट निकालना हो, अराउंड टेंजेंट, टेंजेंट में भी दो कंडीशन हो जाते हैं। एक तो मैं वही दिखा रहा हूं पैरेलल टू द सी, टेंजेंट इज पैरेलल टू द सी जी एक्सिस, दिस इज सी जी एक्सिस, ये जो निकल रहा है इसको आप आई जी बोल सकते हैं, इसके पैरेलल, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो एक छूता हुआ चला जाता है एक पॉइंट से, इक्वल आर के हो गए, इक्वल आर के, सर्कुलर डिस्क अराउंड टेंजेंट पैरेलल टू सी जी एक्सिस। तो दोस्तों फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, आई जी प्लस एम ए स्क्वायर करेंगे, आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई जी कितना निकला दोस्तों हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, आई जी जो है कितने हैं हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ए देखिए दूरी, दूरी देखिए आ रहा है, एलसीएम ले एम आर स्क्वायर प्लस टू एम आर स्क्वायर, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। फिर यहां पे के चेंज हो रहा है, के रेडियस ऑफ गायरेशन रूट अंडर आई बाई एम, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम एम कैंसिल, रूट थ्री अपॉन रूट टू बाई आर। अब देखिए सर्कुलर डिस्क का ही और स्पेशल केस यहां पे देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अराउंड डायमीटर, डायमीटर के अराउंड निकालना है तो दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर, वन बाय डायमीटर जो है ये लाइन डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कर सकते हो, यहाँ आई एक्स इक्वल आई डी के हो जाते हैं,
आई इक्वल आई वाई इक्वल आई डी के होते हैं, और जो आपने निकाला था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वो आई जेड का हो सकती है, आई जी को आई जेड भी कहा जाता है। आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई, ये हाफ का हाफ एम आर स्क्वायर, यही देते हो आई डी प्लस आई डी, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस टू आई डी, सो आई डी इज वन बाई फोर एम आर स्क्वायर। दोस्तों जिन लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन दिक्कत हो रहा है वो ऑफलाइन भी आके क्लास कर सकते हैं, वो भी सुविधा है आपके लिए। कुछ तो मेहनत करो यार, जागो जागो, नींद से जागो, अभी कुछ बनने का टाइम है। सपने वह हैं जो सो ही नहीं देती, आप लोग सो सो के सपना देख रहे हैं, फिर के निकालें, के का फॉर्मूला रूट अंडर वाई आई डी वाई एम, तो वन बाई फोर एम आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कैंसिल, आर बाई टू निकल गए, आर बाई टू। इसी तरह से आपको दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर वो भी याद रखने हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अराउंड सी जी एक्सिस, सी जी एक्सिस क्या होता है दोस्तों, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। फिर यहां से के निकालें, हर फॉर्मूले में के रेडियस ऑफ कैरिएशन रूट अंडर आई बाई एम, आई देखें दोस्तों टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कैंसिल, रूट टू बाई रूट फाइव इंटू आर। फिर देखें स्पेशल केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अराउंड टेंजेंट, सॉलिड स्फीयर है ये, इसके सेंटर से पास कर रहा है, इन्हीं के पैरेलल दूसरा टेंजेंट है आई, इसको बोलेंगे, इसको आई जी बोलेंगे, ए इक्वल आर के होंगे, तो आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। आई जी अभी देखा आपने टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, फिर ए ए डिस्टेंस दूरी कितने के बराबर, देखिए यहाँ पे ए इक्वल आर के, दिस इज ए, ए इज इक्वल टू आर के, फिर से ले लें फाइव टू एम आर स्क्वायर प्लस फाइव एम आर स्क्वायर, तो सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर क्या निकाले हैं, रूट अंडर आई अपॉन एम, तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कैंसिल, रूट सेवन बाई रूट फाइव इंटू आर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अराउंड इट्स एक्सिस, दोस्तों सिलेंडर को कट करेंगे ना, सॉलिड सिलेंडर है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो वो डिस्क ही बनेगा, इसलिए फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर रखेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। हेनियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, थोड़ा मेहनत तो खोजता ही है, बट बिना मेहनत के कहीं नीट, आप नीट निकाले करोड़ों रुपया आपने कमा लिया, तो टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर हो जाएंगे, टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। फिर जिंदगी भर ऐश करेंगे दोस्तों, थिन रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रड, एक पतला रड हो अराउंड इट्स सी जी एक्सिस, तो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों
1/12 ml² एक थीन रड है, ये पतला सा रड है, इसके बीच से एक्सेस पास कर सीजी से फॉर्मूला होगा I=1/12 ml². ये सीजी का है, सीजी पास कर रहा है, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रड अराउंड इंड एक्सिस, एक इंड से एक्सिस पास कर रहा हूं, अब एक इंड से एक्सिस पास करे, दिस इज इंड एक्सिस, इसके अराउंड निकालना हो तो फॉर्मूला बदल जाएगा 1/3 ml². यहां भी के निकालना है, ना भूलें, के रूट अंडर आई बाय एम। एमएम कैंसिल, L/2√3। 12 को 4 × 3 लिखे तो 2√3 एमएम कैंसिल। यहां पे क्या होंगे दोस्तों, फिर रूट अंडर आई बाई एम करें, 1/√3 एल होंगे। रेक्टेंगुलर लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, इसका फॉर्मूला दोस्तों हो जाता है 1/12 ml² + b² ये भी सीजी एक्सिस के राउंड है, आईजी इसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी आई है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन क्या फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन दोस्तों, हाफ I ω² हो जाता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों ½ I ω² + ½ mv² लीनियर तो याद ही होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन, ये हाफ एम स्क्वायर क्या है, लीनियर मोशन। रोलिंग मोशन इज कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन या ट्रांसलिनियर मोशन, सो काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्यादा हो जाएगा, ½ I ω² + ½ mv². यहाँ एक एंगुलर मोमेंटम, जब ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाई एल। और इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों, जैसे लीनियर मोमेंटम P=mv बोलते हैं, m की जगह i होगा, v की जगह ओमेगा होगा, I × ओमेगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये I × ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। इससे एक फॉर्मूला निकलेगा I₁ω₁ = I₂ω₂, I₁ω₁ = I₂ω₂, I₁ω₁ = I₂ω₂। एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है ना वो क्या है दोस्तों, L, क्या है L, फॉर्मूला क्या है I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका दो फॉर्मूले याद रखने, एक I × α, दूसरा I × dω/dt, I × dω/dt। दोस्तों इन सब फॉर्मूलों को मैं कंपेयर करके याद करने के लिए बताता हूं, लीनियर मोशन से कंपेयर कर लीजिए, फिर पूरा एक्सरसाइज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक तरफ लीनियर मोशन लिख रहा हूं, एक तरफ रोटेशनल मोशन लिख रहा हूं, लीनियर मोशन बच्चों को 9th क्लास से पढ़ाया जाता है वो याद होते हैं, रोटेशनल यहां पढ़ रहे हैं आप तो दोनों के इक्वेशन को आसानी से याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, लीनियर डिस्प शॉर्टकट लिखा हो ऐसे नोट करते हैं, यहाँ पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है,
एस के जगह पे थीटा पुट करते हैं, यहां आप लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, वी वी का फॉर्मूला डी एस बाई डी टी डिफरेंशिएशन वाला मैं लिख रहा हूं, इस तरह से यहां पे एंगुलर आ जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, जिनको ओमेगा से नोट किया था। अब देखिए खेल शुरू हो रहा है, यहां एस है, एस के जगह पे थीटा डालना है, तो डी थीटा बाई डी टी, एस यहां लीनियर की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डाल देंगे। इसी तरह से देखिए दोस्तों लीनियर एक्सेलेरेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एक्सेलेरेशन बोलते हैं, ए से नोट करते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन में डी वी बाई डी टी, तो यहां पे जो फॉर्मूले हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन हो जाएंगे, अल्फा से नोट करेंगे। आप देख सकते हैं वी के जगह पे क्या पुट करना है, ओमेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब जैसे यहां पे वी इक्वल पढ़ा आपने यू प्लस ए टी, यहां थोड़ा चेंज कीजिए, वी के जगह ओमेगा टू, यू के जगह पे ओमेगा वन, ए के जगह पे अल्फा पुट करें, टी के जगह टाइम पुट कर दें, वी फाइनल वेलोसिटी, यहां फाइनल वेलोसिटी ओमेगा टू, यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल ओमेगा वन, ए एक्सेलेरेशन, यहां पे एंगुलर एक्सेलेरेशन, टाइम तो सब जगह सेम रहेगा। एस का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, मैं पूरा निचोड़ जमा कर रहा हूं, हाँ एस के जगह पे देखिए दोस्तों, एस के जगह पे थीटा पुट करना है, यू ओमेगा वन पुट करना है, टाइम तो टाइम ही रहता है, एक्सीलेशन की जगह पे अल्फा पुट करेंगे इंटू टी स्क्वायर, वी स्क्वायर का फॉर्मूला यू स्क्वायर प्लस टू एस, यहां वी को ओमेगा टू स्क्वायर, इधर ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू इंटू अल्फा इंटू थीटा पुट करेंगे, ए के जगह पे अल्फा और एस के जगह पे थीटा पुट करेंगे। अब एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जिससे जो काम यहां मास का है दोस्तों, वही काम वही प्लेस यहां किसका हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा। तो अगर मास की जगह रिप्लेस, अगर आपको लीनियर मोशन का कोई फॉर्मूला पता है, रोटेशन का निकालना है, अगर वहां मास आया तो मास को रिप्लेस कर दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। जैसे देखो दोस्तों सिक्स एट नंबर, जैसे काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैंने क्या कहा मास को रिप्लेस कर लिया आई से, और वी को देखिए वी वी लीनियर वेलोसिटी किससे ओमेगा, यहां ओमेगा फॉर्म बन गया, जिंदगी भी नहीं भूलोगे बच्चों, कंपेयर करो मास की जगह पे आई, जो काम मास का लीनियर मोशन में होता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है एंगुलर मोशन में, और वी की जगह पे ओमेगा डाल दीजिए। देखिए फोर्स, फोर्स बोलते हैं ना मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहां पे भी अपने से फॉर्मूला निकालिए, फोर्स की जगह यहां पे टर्क आ जाता है टॉर्क, और देखिए फिर एम के जगह, एम की जगह पे क्या डालना है, आई डालना है, और ए की जगह पे क्या, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, अपने आप फॉर्मूला बनना है। ये लीनियर मोमेंटम पढ़ते हो, पी पी लीनियर मोमेंटम, पी बराबर एम बी, यहां पे क्या पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एम के जगह पे आई, वी के जगह पे ओमेगा। दोस्तों नीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं जब तक पूरा कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ हम 20 साल का क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है जब तक बेस हमारा सही नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, फंस जाएंगे। हर साल क्वेश्चन अलग किया, कभी कभी देखे होंगे कि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए कंसेप्ट तो जरूरी है पूरा, तो आपको ये देना, ये जो मैं बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ याद करने के लिए, इनको इस तरह से आप कंपेयर करके याद रखें। यहाँ पे आपको लीनियर मोशन का भी सारा फॉर्मूला, लीनियर मोशन का भी आ गया, रोटेशनल का भी हो गया, एक साथ दोनों काम यहाँ पे हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप खूब मेहनत करें, हम आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।